माधवी आदो। क्या हुआ आपको? ठंडी लग रही है? बुखार आया? अरे नहीं नहीं, ना ही मुझे ठंडी लग रही है ना ही बुखार आया है। तो चद्दर क्यों लपेटी है आपने? ताकि चाय ना गिरे। वो मैं अमित भाई के पास जा रहा हूँ ना ऑर्डर के लिए, तो वो ऑर्डर हमें मिले इससे मैंने नया कुर्ता पहना। क्या है, चाय पीते वक्त बाय चांस चाय गिरकर कुर्ता खराब ना होना, इससे मैंने चादर लपेटी है। ओ, दिखाइए कौन सा कुर्ता पहना है। हाँ दिखा दो, पहले चाय दो। हाँ देती हूँ, लेकिन कुर्ता दिखाए ना पहले। हाँ दिखाता हूँ मादी, चाय तो पीने दो। नहीं पहले कुर्ता। पहले चाय। पहले कुर्ता। अरे ठीक है, ये देखो। अब दो चाय दो। देखा? आपने कुर्ता भी ऐसे ही दिखाया मुझे, ऐसे थोड़ी दिखाता है कोई। ठीक है ठीक है, ओके देख लिया, अब चाय दो। पर यहाँ का अर्थ है? तो इतना सही कुर्ता दिखाया आपने, तो इतनी सी चाय मिलेगी। पूरा कुर्ता दिखाइए, फिर पूरी चाय मिलेगी। ठीक है, ये देखो। वाओ, कितनी जान दिखता है, है ना? मस्त दिख रहा है कुर्ता, एकदम जान। हो ना? वो क्या है, लास्ट टाइम जब मैं ऑर्डर लेने गया था ना, तब नया कुर्ता पहना था। हाँ। और वो ऑर्डर हमें मिला था। इसलिए सोचा कि इस बार भी नया कुर्ता पहनूं, और चाय गिर के कुर्ता खराब ना हो इसलिए चादर लपेटी। ओ बरोबर बरोबर, क्या क्या चादर क्या। अच्छा माधवी, अभी मैं चाय पी के जा रहा हूँ अमित भाई को मिलने, उसके बाद मुझे सोसाइटी वालों को आज की मीटिंग के लिए इन्फॉर्म करना है। हा? मीटिंग? कौन सी मीटिंग? नवरात्रि के पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए रात को क्लब हाउस में मीटिंग रखी है मैं। अच्छा कौन से पॉइंट? वो मैं आने के बाद बता रहा हूँ ना। चलो चद्दर के साथ। हे भगवान, कृपा करना कि आज का दिन शुभ रहे और ऑर्डर का काम हो जाए। अरे अरे मिलने मिस्टर। अरे रुक रुक रुक। हाँ चाचा जी, सुप्रभात। बोलिए बोलिए। सुप्रभात सुप्रभात, चल मुझे भी तेरे साथ ले चल। लेकिन मैं तो क्लाइंट के पास जा रहा हूँ। अरे तो क्या हुआ, देख जेठे आज जल्दी दुकान चला गया है और टप्पू भी घर पे नहीं, तो मैं अकेला घर में बैठ के क्या करूंगा, उससे अच्छा मैं तेरे साथ घूमूंगा। हाँ लेकिन चाचा जी, मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैं वो क्लाइंट के पास जाऊंगा, ऑर्डर की बात करूंगा और वापस आ जाऊंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ बिल्ली मास्टर, तू है ना मुझे अम्बे माता के मंदिर तक छोड़ दे। हाँ वो तो मेरे रास्ते में ही पड़ता है। आइए आइए आइए। ए भाई क्या कहना चाहता है, रास्ते में नहीं पड़ता मंदिर तो तू मुझे नहीं छोड़ता। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, छोड़ देता ना। आइए आइए बैठे बैठे आइए। रुकना है भाई। हाँ हाँ थोड़ा आराम से चला। पोपटलाल कमाल है, तू ऐसे अचानक बीच में आके तू दिखे ही नहीं मुझे। अरे क्या दिखे नहीं, कभी मुझे कुछ हो जाता तो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मेरा मतलब है, अभी मुझे कुछ हो जाता तो कौन करेगा मुझसे शादी। वैसे भी कौन कर रहा है। क्या 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 बोला? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तू चल। हाँ चलो पोपटलाल हट जाओ। अरे नहीं हट सकता। क्यों? डिब्बे की वजह से। अरे इस डिब्बे की वजह से, ये डिब्बा कब से खुल ही नहीं रहा। बेटा इसे खोलने में जरा मेरी मदद करना। पोपटलाल तुम देख रहे हो, हम लोग बाहर जा रहे हैं और तुम डिब्बा खोलने के लिए बोल रहे हो। नहीं खोल सकते भाई, तुम खोलो। हाँ हटो हटो। अरे भाई मैं घर पे बहुत ट्राई कर चुका हूँ, खुल ही नहीं रहा है, दो मिनट लगेंगे, जरा खोल कर देना भाई। पोपटलाल हमको देर हो रही है भाई। अरे कैसा पड़ोसी है तू, पड़ोसियों के पड़ोसी की मदद नहीं कर रहा। बात को चाचा जी। अरे आप कहाँ जा रहे चल के, मैं छोड़ता हूँ आपको, आइए बैठ। अरे मैं चल के नहीं जा रहा हूँ, तू एक काम कर भिंडी मास्टर, तू जा मैं डिब्बे की मदद करता हूँ। नहीं नहीं आप रुकिए, मैं डिब्बे की मदद करता हूँ। ये डिब्बा किसको बोला, डिब्बा सिर्फ चाचा जी बोल सकते हैं।
डिब्बा खोलने में मदद करता हूँ। असो ओ हाँ अच्छा अच्छा दे थैंक यू चाची। वैसे डिब्बे में है क्या? अरे खजाना है भाई। खजाना? कौन सा खजाना? तो खुलेगा तो पता चल जाएगा, तू जरा खोल कर देना। खोल खोल खोल। हाँ 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 चाची ये दे। जोर से जोर से। पकड़ो जरा इसको पकड़ो। अरे रखो ना कहीं भी जल्दी। हाँ हो गया हो गया हो गया। हाँ पकड़ो। खोल खोल खोल। अरे इतना क्या घट्टा बंद किया है, पोपटलाल खोल ही नहीं रहा ये। तू छोड़, मैं करता हूँ। आप खोलेंगे? ये खोलिए खोलिए। ऐसे बहुत डिब्बे खोले हैं मैंने, समझा? चाहिए बहुत हेवी है वो। तो मुझे थोड़ी मालूम था इतना भारी है। कोई बात नहीं, मैं खोलता हूँ। खोलिए खोलिए। चाचा जी आकड़ी आली, आकड़ी आली। क्या क्या कर रहा है? आराम से चाचा जी आराम से। ओ, अच्छा मुझे लगा आकड़ी आ गई। डब्बा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कर। पकड़ पकड़। अभी खुल जाए। खुल खुल खुल। डिब्बा कब से खुल ही नहीं रहा है। चाचा जी मदद कर रहे हैं लेकिन इनसे हो नहीं रहा है। तो आदवाराम को बोलो ना। अरे इसने भी ट्राई कर ली, इससे भी नहीं खुल रहा है। आप जरा मेरी मदद कीजिए डब्बा खोलने में। पवड़दाल मेरा ऑफिस में इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है तो मेरे को ऑफिस जल्दी पहुंचना है। यार भाई कैसे पड़ोसी हैं आप? पड़ोसियों के पड़ोसी की मदद नहीं कर रहे? ऐसा क्या है इस डिब्बे में? ये खुलेगा तो पता चल जाएगा। अभी जरा प्लीज मदद कीजिए ना ढक्कन खोलने में। एक मिनट लो डब्बा मेरे को दो। यह दो लोगों का काम नहीं है, इसका क्या टेक्निक है। ओ, वैक्यूम की वजह से यह ढक्कन लॉक हो गया है। अभी देखो क्या तक खुलता है। एक गुला। आराम से खुलता है। खुलता है। पता नहीं कैसे बंद हो गया। हम लोगों ने बहुत ट्राई की खोलने की, खुल ही नहीं रहा है। नहीं, खुलेगा खुलेगा। एक मिनट आधे खुल जाएगा। हाँ? भाई सकरम को कुछ हो जाए। एक काम करो, आइए इस तरफ आओ। हम लोग पकड़ते, तुम ढक्कन को पकड़ो। आ जाओ। आज तो बहुत देर हो गई। अरे बाप रे, अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो ये लोग मुझे रोक लेंगे, और अगर इन्होंने मुझे रोक लिया तो ऑफिस जाने में ज्यादा देर हो जाएगी, बॉस की डांट खानी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, चुपचाप निकल जाता हूँ। अरे मेहता साहब आइए ना जरा मदद कीजिए ना। मुझे ना ऑफिस जाने में देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे मेहता साहब हम लोग कब से कोशिश कर रहे हैं डिब्बा खोलने की, खुल ही नहीं रहा है। आप मदद कीजिए ना। मुझे ऑफिस जाने में बहुत लेट हो जाएगा। अरे कैसे पड़ोसी हैं आप?
पड़ोसियों के पड़ोसी की मदद नहीं कर रहे हैं। मेहता साहब आ जाइए, ये नहीं जाने देगा, आ जाइए। अबे अय्यर, मैं मोड़ा वो मेन नीचे का पकड़ना और मेहता साहब ढक्कन पकड़ना। ये ढक्कन ढक्कन पकड़ो आप। केजो इस डब्बे का ढक्कन तो डब्बे से जुदा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे ये ऐसा नहीं खुलेगा भाई। हाँ थोड़ी सी ऐसे साइड पे ठोकना पड़ेगा, फिर जाके ये डब्बा खुलेगा। हाँ बराबर बराबर। अरे ये क्या बराबर है, मैंने लिपेट दीजिए। अरे अरे हमें डिब्बे को खोलना है, तोड़ना नहीं है। हथौड़ी से तो डिब्बा टूट जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह पोपटलाल, इस डिब्बे में क्या है, कोई खाने की चीज है क्या? पहले आप इसे खोलने में जरा मेरी मदद कीजिए। पोपटलाल इनमें से किसी से खुलवा लो ना, मुझे अभी बाहर जाना है। अरे इन सबने ट्राई कर ली, किसी से डिब्बा नहीं खुल रहा है। आप प्लीज जरा मदद कीजिए ना। पोपटलाल मुझे समोसे खाने जाना है प्लीज। अरे आतिफ भाई, क्या मैं इतनी तकलीफ में हूँ, आपको समोसे की पड़ी है? कैसे पड़ोसी आप? पड़ोसियों के पड़ोसी की मदद नहीं कर रहे? आतिफ हाँ, तू कोशिश तो कर भाई, हो सकता है तुझसे खुल जाए। ठीक है चाचा जी, लाओ। अरे तुझसे खुल जाएगा, कोशिश कर। पोपटलाल ये डिब्बा तो नहीं खुल रहा है, पकड़ो। अरे हम सबने ट्राई कर लिया आती भाई, किसी से खुल नहीं रहा है। इतना काय दगड़ ढूंढे भर ले। क्या 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 बोला? कुछ नहीं। तो एक काम करो पोपटलाल, किसी प्रोफेशनल के पास जाओ और उससे खुलवाओ। सही बात है, प्रोफेशनल। ये डिब्बा खुलने का कोई अलग प्रोफेशन होता है? अरे उसके कहने का मतलब है कि किसी बर्तन वाले के पास लेकर जाओ, वो खोल के दे देगा। अरे अभी मैं कहां बर्तन वाले की दुकान ढूंढूंगा, इस डिब्बे को लेके कहां कहां घूमूं? अभी इस वक्त मेरे लिए इस डिब्बे का खुलना बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं, एक बार सब मिलकर ट्राई करते हैं, शायद खुल जाएगा। वो किसे खोलने की बात चल रही है यारो? वाह वाह वाह, सोडी आ गया, सोडी आ गया, दौड़ी आ गया। एक काम करो, ये डिब्बा सोडी को दे दो, सोडी खोल के दे देगा। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। अरे रुको रुको भाई, क्या चलो चलो, अगर सोडी से डिब्बा नहीं खुला तो? ओए पप्पू, ओए ऐसा कोई डिब्बा नहीं बना जिसे रोशन सिंह सोडी ना खोल सके। तिवरा एक मिनट पढ़ना जरा, इतने आओ। ओए पप्पू, ओए ये डिब्बा क्या, ओए रोशन सिंह सोडी अगर खोलने पे आए ना तो ट्रेन का डिब्बा भी खोल सकता है। वाह, फिलहाल ये डिब्बा खोल के दे भाई। ये डिब्बा ए देख, थोड़ी खोल देगा डिब्बा। मैं चलूं? ए रुको, थोड़ी से डिब्बा खुल जाएगा फिर चले जाना। हाँ खुल गया। ओए ऐसे डिब्बे ना जंग लगे हुए नट की तरह होते हैं, बस एक स्पेसिफिक पाना और उसे खोलने का तरीका होता है। हुण वेखो, थोड़ा 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 और जोर लगा। नहीं एक, एक तो खींच खींच थोड़ी खींच। अरे ये थोड़ी आराम से भाई। हाँ हाँ आराम से आराम से आराम से। एक तो अरे ये तो आता खाला उगड़ेल। सिद्धी है ये टक्कर। अब तो एक ही तरीका है। क्या क्या?
थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा चाचा जी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या कर रहा है भाई? ऐसे तो डिब्बे को पटकेगा तो डिब्बे की शक्ल बिगड़ जाएगी। हाँ, एमा गोबो पड़ी कैसे? गोबो मतलब? अरे खोज पड़ेल। खोज? मतलब फैक्चर हो जाएगा। फैक्चर? अरे डेंट पड़ जाएगा यार, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये डिब्बे की वजह से ऑलरेडी लेट हो रहा है। ये डिब्बे की वजह से ऑलरेडी लेट हो रहा है। पप्पू मेनू एक बारी ट्राई करन दे। वो टूट जाएगा, वो ढक्कन दे खुल जाएगा। एक बारी मेनू कोशिश तो करन दे। अरे नहीं 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 नहीं, छोड़िए रहने दे भाई। इस डिब्बे को मैं टूटने नहीं दे सकता। इसे प्यार से किसी ने मुझे गिफ्ट किया है। प्यार से ऐसा डिब्बा कौन गिफ्ट करता है? मैरिज ब्यूरो वाले ने दिया है। मेरी मेंबरशिप के 10 साल पूरे हुए ना, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट में ये डिब्बा दिया। अरे वाह पटल, डब्बा खाली दिया था कि उसमें कुछ नाश्ता भी था? अरे कीड़ा देख, सबको पता है तुझे भूख लगी है, लेकिन अभी है ना, ये डिब्बा कैसे खोले वो सोच। सॉरी। ओ खड़ जाओ यारो, ओ मेरे पास एक और तरीका है। क्या? क्या? बोल। डिब्बे को पकड़ो। ये हाँ पकड़ो। आती प्रा बैग छोड़ो तो तुझे भी पकड़ो। हाँ शाबाश, ठीक है। अरे जोर लगा के चाचा जी, वो मुझसे गलती से धक्का लग गया था। ओ, मैं क्या कहता हूँ यारो, एक बार इसी जोश से फिर से कोशिश करते। आओ मेहता साहब, आओ। ओ यारो थोड़ी हेल्प करा दो यार। आओ। रेडी? जोर लगा के। सॉरी चाचा जी, वो मेरे हाथ से फिसल गया। ओ यारो, वो ढक्कन थोड़ा खुल गया है। अरे सॉरी, उठा मुझे। अरे अरे ये क्या? पोपटलाल के डिब्बे के वजह से पूरे गोकुल धाम में धमाल मच गया। पोपटलाल ने पड़ोसी धर्म की दुहाई देके सबको धर्म संकट में डाल दिया। गोकुल धाम वासियों की यही खासियत है, प्रॉब्लम कितनी भी छोटी हो हम सब साथ में मिलके सॉल्व करते। सबकी कोशिशों के बावजूद भी डब्बा खुलने का नाम ही नहीं लेता। सबकी दुनिया हिला देने वाले पोपटलाल से डिब्बे का ढक्कन हिला तक नहीं। सोढ़ी ने अपने बाहुबल से डिब्बे को खोलने का हल तो निकाल दिया और डिब्बा थोड़ा सा खुल भी गया था, लेकिन हाथी भाई को उठाने के चक्कर में वो डिब्बा फिर से बंद हो गया और सबकी मेहनत पे पानी फिर गया। तो अब क्या होगा? क्या फिर से सोढ़ी डब्बा खोल पाएगा? क्या फिर से वो डब्बा खुलेगा? ऐसा क्या खजाना है उस डब्बे में? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में।
साथ में मिलेंगे अनगिनत ठाके। तो हंसी और खुशी के इस महासागर में डुबकी लगाने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स।